अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है उसामा। आज हम आए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अगर अभी चलो वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी और भी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सकें। चलें अभी हम चलते हैं मिशन की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, हम खाली अचीवमेंट के मिशन ही कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट ये है पार्टनर इन क्राइम। तो ये कैसे करना है, इसके रिवार्ड में हमें 50 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे, तो काफ़ी मज़े का है। और बाकी हमें क्रिएट मिलेंगे, एक क्लासिक कूपन मिलेंगे, करेंसी और वो मिलेगा हमें। तो चलें देखते हैं क्या है। पार्टनर इन क्राइम, हैव वन पार्टनर इन द गेम। सबसे पहले हमने एक गेम में बनाना है पार्टनर, आप लोगों का पार्टनर। जैसे ये देखें, मेरा बना हुआ है आमिर, मेरा पार्टनर है आमिर। कनेक्शन से जाके ये देखें, ये दिखा हुआ ना नीचे कनेक्शन, क्लैन के ऊपर वाला कनेक्शन के ऊपर जाके, ऊपर जाके आपने पहले अपना पार्टनर बनाना है। एक पार्टनर बनाएंगे तो आपका एक मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा, सही है। आगे हम नेक्स्ट रीड करते हैं। पार्टनर इन क्राइम नेक्स्ट, रीच 1000 सिनर्जी विद फ्रेंड, 2000 3000। ये सिनर्जी हमारी कैसे बढ़ेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ेगी। आपने जो भी अपना पार्टनर बनाया होगा ना, जैसे मेरा आमिर पार्टनर है। हाँ जी गाइस, तो हम कहाँ पे थे, ये देखें। जैसे आपने पार्टनर बना लेंगे ना, आपका पहला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सेकंड में इसे, हाँ जी, तो गाइस इसमें ये है कि नेक्स्ट वाला आपने पहले अपना पार्टनर ऐड करना है। पार्टनर ऐड करने के बाद आपने अपने पार्टनर के साथ जैसे मैच खेलेंगे तो आपको वो सिनर्जी पॉइंट मिलते जाएंगे। एक ट्रिक ये है, सही है। और दूसरी ये है कि आपने डेली अपने पार्टनर को, किधर गया मेरा पार्टनर, आपने अपने डेली पार्टनर को ना डेली आपने वो सेंड करने हैं कॉइन्स, बीपी कॉइन्स, उससे भी आपके वो सिनर्जी बढ़ेगी। और उस आप उसके साथ टीडीएम खेलेंगे, लिविक खेलेंगे, क्लासिक खेलेंगे, जो भी खेलेंगे उसके साथ, तो आपकी सिनर्जी बढ़ती जाएगी, सही है। ऐसे आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।